एक ऐसा अच्छा अवसर कि जब अपने इस विधानसभा के स्पीकर महोदय का जो चुनाव, जैसा बताया गया कि 4 नवंबर को इनका चुनाव हुआ था और 4 नवंबर को 3 वर्ष पूरे हुए, तो इस उपलक्ष्य में कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, तो एक बहाना ये मिला कि हरी सदन नाम से जो कॉफी टेबल बुक ये बनाई गई है, जिसमें पूरे विधानसभा के चित्रों सहित एक जो कहानी इसमें छापी गई है, बताई गई है, हमको बहुत उपयोगी होगी। जब इसको देखेंगे, खोलेंगे, तो लगातार 3 वर्ष का सारा कार्यकलाप सामने आ जाएगा। देखिए, सदन की एक परंपरा सिस्टम एक जैसा रहता है कि वहाँ विधायक और विधायकों के सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनका अपना एक रोल होता है। जैसे एक पंचायत होती है, तो पंचायत में कोई ना कोई एक मुखिया रहता है, तभी पंचायत की कार्रवाई वो ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलती है। अगर कोई मुखिया वहाँ न हो तो फिर लोकतंत्र में क्या होगा, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। वास्तव में बहुत ही कठिन कार्य होता है स्पीकर महोदय का। स्पीकर महोदय का तो यानी सबसे पहले तो मनस्थिति बदलनी होती है, क्योंकि चुनाव तो किसी एक पार्टी निशान के ऊपर लड़के आते हैं। वहाँ तो जो चुनाव होता है, फिर वो पार्टियों का भी आपस में जो एक दूसरे से विरोधाभासी और वो सारी बातें चलती रहती हैं फील्ड में। लेकिन जब भी विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी पर स्पीकर महोदय आके बैठते हैं, तो सबसे पहले उनको अपना मन परिवर्तन करना पड़ता है कि भाई आज से मैं पार्टी के लेवल से ऊपर उठ करके काम करूंगा। और उस प्रकार की अपेक्षा भी की जाती है, उनको करना भी होता है, जिससे बहुत संतुलन बना के रखना होता है। सबसे कठिन कार्य मैं मानता हूँ कि जो रस्सी के ऊपर, रोप के ऊपर जो चलते हैं ना ऊपर, और वो अपने हाथ में डंडा लेके चलते हैं कि उसके कारण से किधर झुकाना है, किधर झुकाना है, ताकि बैलेंस बना रहे, गाड़ी कहीं इधर उधर ना जाए, तो कितना बैलेंस बना के इनको रखना पड़ता है। कभी कभी सत्ता पक्ष के लोग, क्योंकि सत्ता पक्ष से ही सामान्यतः स्पीकर होते हैं, तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि ये देखो हमारी बात ही नहीं मानी इन्होंने। और विपक्ष के लोग कई बार ये सोचने लग जाते हैं कि इन्होंने तो हमारी बजाय सत्ता पक्ष की बात मान ली। ना तो सत्ता पक्ष ही मानते हैं, ना विपक्ष ही मानते हैं। जो मर्यादाएं हैं अपने यहाँ, संवैधानिक सिस्टम जो बना हुआ है, जो एक विधानसभा का कार्य की एक प्रणाली है, उसके हिसाब से चलाना होता है। बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी बखूबी 3 साल, चाहे हमारे स्पीकर महोदय हों चाहे डिप्टी स्पीकर हों, इन्होंने जिस बखूबी तरीके से विधानसभा का संचालन किया, बड़ा सराहनीय है। और मैं इस नाते से बहुत ही प्रशंसा करता हूँ इस बात की कि हमारी विधानसभा बहुत प्रदेशों की विधानसभाओं के जो किस्से हम सुनते हैं, उससे भी कहीं अच्छी यहाँ की विधानसभा का संचालन होता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस हरी सदन, जो 3 साल का विधानसभा का कार्यकाल रहा, उस जो पुस्तक है उसका विमोचन करने का, जो कॉफी टेबल बुक है उसका विमोचन करने का हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और उन्होंने आकर के विमोचन किया। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। 3 वर्ष का जो हमारा कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में सभी विधायकों ने, सत्ता पक्ष या विपक्ष, दोनों पक्षों के सभी विधायकों ने विधानसभा चलाने में, विधानसभा की बेहतरी के लिए या विधानसभा में जो कुछ नए प्रयोग हमने शुरू किए उनको इम्प्लीमेंट कराने में अपना भरपूर सहयोग दिया। इसके लिए मैं सभी, चाहे हमारे विपक्ष के साथ ही हैं, सत्ता पक्ष के साथ ही हैं, उन सबका हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हमने प्रयास किया है कि विधानसभा की कार्यवाही, उसमें जो विधानसभा की गरिमा है, विधानसभा का गौरव है, विधानसभा की मर्यादा है, वो बनी रहे, उसका प्रयास हमने किया। और कुछ नई चीजें हमने जैसे शुरू की, जैसे प्रश्न का जो थे वो ड्रॉ ऑफ लॉट से शुरू किए, उसके अलावा जो बहुत सारे पुराने पंजाब विधानसभा के नियम थे उनको परिवर्तित करके हरियाणा विधानसभा के नए नियम हमने बनाए। कुछ जो चीजें
सदन के अंदर यहाँ पर श्री गीता भगवान श्री कृष्ण जी का गीता का संदेश उसकी जो रेप्लिका है वो हमने यहाँ बना विधानसभा के अंदर गीता का यहाँ पर स्थापना की। और इसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है उसका भी अनावरण हमने विधानसभा भवन के अंदर किया। विधानसभा की कार्यवाही को अच्छे ढंग से चलाने के लिए हमने बहुत कई नियमों में परिवर्तन भी किया और विधायकों को समय पर उनकी जो सूचना है वो मिल सके या जो प्रश्न है या जो बिल है वो 5 दिन पहले हमारे पास विधानसभा में आए ताकि 3 दिन पहले तक हम सभी विधायकों के पास वो बिल भेज पाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था, क्योंकि जो पहले लगता था कि भी जिस दिन बिल आता था उसी दिन वो विधायकों को मिलता था और उसमें विधायक उसको पढ़ नहीं पाते थे, तो उस व्यवस्था को भी हमने बदला। इसके अलावा कुछ अधिकारी जो हमारे विधायक थे उनकी कुछ ऐसी शिकायतें रहती थी कि अधिकारी जो समय पर टेलीफोन नहीं उठाते, बात नहीं करते या कोई किसी भी प्रकार से उनका जो पत्र है उसका जवाब नहीं देता, उसकी भी व्यवस्था हमने की और उसके परिणाम सकारात्मक हमें देखने को मिले हैं कि अब लगभग सभी जो हमारे विधायक हैं उनके फोन वगैरह जो है वो सब अधिकारी कर्मचारी है वो अटेंड करते हैं। इसके अलावा कुछ जो हमने नए जो प्रयोग किए उसमें विधानसभा की जो हमारी अनुशासन है, विधानसभा की जो कार्य प्रणाली है हमारी जो ऑफिस की, उसमें भी हमने थोड़ी सी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, कर्मचारी अधिकारी समय पर आए और राइट टू सर्विस जो एक्ट के तहत जो भी फाइल उनके पास जाती है वो सही समय पर डिस्पोज हो जाए, इसका भी हमने प्रयास किया है। तो ये सारी जो चीजें मैंने कही हैं वो सब आपके इस जो हरी सदन हमारा जो प्रॉफिटेबल बुक है इसके अंदर हमने प्रदर्शित भी की हैं।